हेलो गाइज, एक न्यू वीडियो में स्वागत है। गाइज आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने गूगल एडसेंस में अपनी बैंक को कैसे ऐड कर सकते हैं। गाइज जब आपके एडसेंस अकाउंट में $100 कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपको अपने एडसेंस अकाउंट में अपनी बैंक को ऐड करना होता है, जिससे आपका जो भी पेमेंट होता है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो गाइज किस तरीके से आप अपने बैंक को ऐड कर सकते हैं अपने एडसेंस अकाउंट में, आज के इस वीडियो में आपको बताया है। तो चलिए गाइज करते हैं वीडियो को शुरू। तो गाइज इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एडसेंस अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। तो गाइज हम अभी यहां पे लॉगिन हो चुके हैं अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में। तो गाइज यहां पे अभी आप देख सकते हैं इस तरीके का एक ऑप्शन यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, और यहां पे आपको एक्शन का बटन भी मिल जाएगा। गाइज अगर आप क्लिक करना चाहें तो यहां एक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। गाइज अगर आपका ये यहां पे शो नहीं होता है तो यहां पे आपको चले आना है नीचे, यहां पे आपका जितना भी पेमेंट है यहां पे आपका शो हो जाएगा। इसके बाद यहां पे आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहां पे आपको व्यू पेमेंट, इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज ये हमारा यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, ये हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो गाइज यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्राइटेरिया है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको चले आना है थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइज आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज यहाँ पे इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको चले आना है नीचे, और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी आईडी ऑप्शनल है यहाँ पे, इसको आप छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको छोड़ दूंगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नेम ऑन बैंक अकाउंट, तो गाइज आपने जिस भी बैंक में अकाउंट खोल के रखा है उसमें जो नाम है आपको सेम लिखना है, मीनिंग मिस्टेक नहीं करना है ज़रा सा भी, तो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा बैंक नेम, तो गाइज यहाँ पे आपको अपनी बैंक का नाम लिख देना है। इसके बाद गाइज यहाँ पे आपको IFSC कोड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो गाइज यहाँ पे आपको अपना IFSC कोड लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्विफ्ट कोड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो गाइज यहाँ पे आपकी बैंक का जो है स्विफ्ट कोड जो हो आपको यहाँ पे लिख देना है। गाइज आपको स्विफ्ट कोड पता करना नहीं आता है तो गाइज इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इसके बाद गाइज यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर लिख देना है, आपका जो अकाउंट नंबर है। इसके बाद आपको उसी अकाउंट नंबर को दोबारा से यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद गाइज आपको एक बार चेक कर लेना है अपना नेम, बैंक, IFSC कोड और स्विफ्ट कोड, बैंक सारा कुछ डिटेल जो है इसको आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे इस बॉक्स पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। गाइज जैसे क्लिक कर दोगे इसके बाद हमारा जो बैंक है वो ऐड हो जाएगा यहाँ पर, अभी आप देख सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से आप अपने बैंक को ऐड कर सकते हैं अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में। गाइज वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।